मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 1000 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर कोरोना महामारी के बचाव के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा रतलाम द्वारा महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित किसानों को गमछे वितरित किए व कोरोना से कैसे बचा जाए इसको लेकर किसान मोर्चा जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह वागेड़ी व जिला मीडिया प्रभारी राकेश पांचाल ने जानकारी देते हुए इस महामारी को रोकने के लिए 3 मुख्य उपाय बताए। गमछे को बनाए साथी, मुँह पर बांध करें सुरक्षा, 2 गज की रखें दूरी, कोरोना से सुरक्षा होगी पूरी, त्रिकुटा चूर्ण पिए उबाल कर जीवन रक्षक मानकर। जिला मीडिया प्रभारी राकेश पांचाल ने बताया कि पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इससे बचना अत्यंत आवश्यक है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज किसान मोर्चा द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर हमारे किसान भाइयों को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके। आप जब भी अपनी उपज लेकर कृषि मंडी में आए या और भी कहीं जाएं, तो 2 गज की दूरी और गमछे से अपना मुँह जरूर ढक कर रखें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि त्रिकुटा चूर्ण को उबालकर आप स्वयं भी पिए और अपने परिवार को भी पिलाएं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस संक्रमण से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर किसान मोर्चा मुखर्जी मंडल अध्यक्ष रवि व्यास, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना सुरेंद्र भाटी, मंडल महामंत्री प्रकाश बंसीवाल, हरिओम बैरागी, संदीप जैन आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा लगातार कोरोना के खिलाफ बचाव के लिए अपील की जा रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह जी रावत के निर्देशानुसार जन जागरूकता अभियान को रतलाम जिले में भी कार्यक्रम का रूप देते हुए कृषि उपज मंडी में किसानों को 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क व त्रिकुटा चूर्ण को उबालकर काढ़ा पीने की बात बताई और कोरोना से बचाव के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को यह समझाइश दी है कि 2 गज की दूरी रखकर किस तरह से कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट।